नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। नगर निगम के अधिकारियों ने इको ग्रीन के कर्मचारियों को अब हटाकर आउटसोर्स के माध्यम से रखने की तैयारी शुरू कर दी। अब इन कर्मचारियों को डिपो से फोन किए जा रहे हैं कि उनकी मांगों पर विचार चल रहा, तब तक के वे काम पर लौट, अन्यथा उनकी नौकरी से हटा दिया जाएगा। ऐसे में फूलबाग पर इको ग्रीन कर्मचारियों ने प्रेस वार्ता कर अपने आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी व ओबीसी महासभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और दो दिन में सुनवाई न होने मंत्री और अधिकारियों के बंगले पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। दरअसल इको ग्रीन के 485 कर्मचारियों ने एक माह के अंदर दूसरी बार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। कर्मचारियों की मांगे हैं कि उन्हें नगर निगम में नियमित कर दिया जाए। इसके अलावा पिछले 3.5 साल से उन्हें प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की राशि नहीं दी जा रही है। ऐसे में उनकी इस राशि का भुगतान भी कराया जाए। कर्मचारी अब अपनी मांगों पर अड़ गए हैं और आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। कराना चाहता हूँ, करीब 3.5 साल से इको ग्रीन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हम लोगों को संदीप पाटन जी ने इको ग्रीन कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के तौर पर नियुक्त किया। आज करीब 3.5 साल से हम लोगों को वेतन कटौती करके दिया जा रहा है। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात यह रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि हम लोगों का अभी तक ना तो कोई पीएफ दिया गया है और बल्कि हम लोगों को। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।